हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR NET JRF सेक्शन ए जनरल एप्टीट्यूड। हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन ए में जो जनरल एप्टीट्यूड है, कैसे उसमें आउट ऑफ 30 25 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए ओनली फॉर 999 रुपीज़। चलिए बात करते हैं, ये है CSIR NET का एग्ज़ाम पैटर्न। इसमें सेक्शन ए होता है पार्ट ए 20 क्वेश्चन का, जिसमें 15 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं जो 30 मार्क्स का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है -0.5 मार्क्स। तो हम लोग बात करेंगे आज सिर्फ सेक्शन ए के बारे में, बीसी के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, ग्राफिकल एनालिसिस से, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन एंड पजल ईटीसी। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जनरल एप्टीट्यूड में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से और टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करें जनरल एप्टीट्यूड के लिए, इसके लिए चार मेन काम करना है। सबसे पहला करना है कि इसको समझना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में एक आइडिया डेवलप करना है कि क्या फॉर्मेट होता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 अटेम्प्ट करना है, 30 मार्क्स का, -0.5 का निगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें से जो टॉपिक हमने बताया उसमें से मार्क करें पहले कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिसको पहले कवर करना है। तो इसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से और परसेंटेज से तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस से तकरीबन 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं जो 6 to 8 मार्क्स का हुआ, और मेंस्ट्रुएशन से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं जो 4 to 6 मार्क्स का होता है, और सीरीज कंप्लीशन से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं जिस 4 to 6 मार्क का होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोगों को पहले कवर करना चाहिए सेक्शन ए के लिए। इसके बाद क्या करना है कि कुछ टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए और उस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है उसके लिए एक ऑथेंटिक बुक जो है कुछ सर्च कीजिए। स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, मतलब एक वेल प्रिपेयर अपना नोट्स बनाइए सेक्शन ए के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए। जितना हमने टॉपिक आपको बताया उसमें से उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है उसके बाद, वो है रेगुलर प्रैक्टिस करें क्वेश्चन का, आपके लिए बहुत है ये। आप किसके लिए, हमारा एक टेस्ट सीरीज चलता है बायोटेरा में सेक्शन ए के लिए स्पेशल, जो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्यों बायोटेरा, क्योंकि आप यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इन डेप्थ एनालिसिस जो डाउट का है वो क्लियर करा सकते हैं। इसलिए आप बायोटेरा ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सेक्शन का अलग अलग क्लासेस होते हैं, सारे सेक्शन का अलग अलग टेस्ट सीरीज है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एंजॉय सम क्वेश्चन पेपर ऑफ सेक्शन ए जनरल एबिलिटी।
Thank you so much for watching the video and share the video, like the video. Thank you so much.